भारत में राइस ब्रैन सबसे लोकप्रिय कमोडिटी बन गई है। रॉयट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे वजह है कि देश में वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से खाद्य तेलों की किल्लत हो रही है। भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है। वहीं राइस ब्रैन ऑयल को चावल के छिलकों से निकाल जाता है। इससे पहले पशुओं के चारे में इस्तेमाल किया जाता है। हाल के सालों में तेल की मिलों ने चावल से इस तेल को निकालना शुरू किया है। यह व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देने वाले ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि खाने के तेल के मुकाबले ज्यादा मांग होता है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक राइस ब्रैन ऑयल भारत में कुल खाने की तेल की खपत का छोटा हिस्सा है, लेकिन ये खाने के तेलों के बीच सबसे तेजी से बढ़ते प्रोडक्ट्स में से एक है। वहीं इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादन और आयात में बढ़ोतरी की जा सकती है। खाने के तेल की कीमतों में हाल ही में आई तेजी के पीछे वजह इंडोनेशिया का पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध है। इसके अलावा यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल की शिपमेंट में रुकावट आ रही है। इन दोनों के कारण राइस ब्रैन ऑयल की मांग तेजी के साथ बढ़ी है। इसका स्वाद सनफ्लावर ऑयल के समान होता है। वहीं यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल के आयात में गिरावट होने के साथ ग्राहकों ने इसकी जगह राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारत आमतौर पर अपनी सनफ्लावर ऑयल की जरूरतों का 2/3 से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन के जरिए पूरा करता है। वहीं रॉयट्स के मुताबिक मुंबई में रहने वाली एक गृहिणी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से वह स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर खाने के विकल्पों की तलाश कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट्स के लिए करीब 6 महीने पहले राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल किया था और उस समय से वह इस्तेमाल इसे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।